NFTs, नाम तो सुना ही होगा। इसको नॉन फंजिबल टोकन भी बोलते हैं और आजकल इसकी इतनी हाइप बनी हुई है कि पूछो मत। अभी अगर आप YouTube पर सर्च करके ढूंढोगे NFT के बारे में तो इतने ट्यूटोरियल और वीडियोस दिख जाएंगे जो आपको रातों रात अमीर बनाने का क्लेम करते हैं। बट क्या ये एक्चुअली में सोने की चिड़िया है? कहीं ये स्कैम तो नहीं है? आप खुद NFT कैसे बना के बेच सकते हो? ऐसे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूंगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो कैशिफाई एक्सप्लेन्स NFT, लेट्स बिगिन। तो अब मैं एक दिन शॉपिंग करने जा रहा था और एक मुझे एक जैकेट पसंद आई तो मैंने खरीदी। उसके बाद मुझे वो रसीद मिली जिससे प्रूव होता है कि जैकेट मैंने खरीदी है। तो चेकआउट के टाइम पे गार्ड ने मुझे रोका और रसीद मांगी, मैंने दिखाई और उसने मुझे जाने दिया। चलो ये तो हो गई एक्चुअल फिजिकल गुड्स की बातें, बट अगर आप ऑनलाइन कोई ड्रॉइंग बनाते हो और उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो और मेरे को पसंद आ जाती तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ऐसे में आप कैसे प्रूव करोगे कि ये फोटो आपने बनाई थी? वेल, यही काम NFT करता है। इंटरनेट पर जो भी डिजिटल फाइल्स हैं, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, गेम कैरेक्टर, म्यूजिक, ट्वीट एक्सेट्रा, इन सब फाइल्स को खरीद के रसीट आप NFT से जनरेट कर सकते हो और कोई पूछेगा कि ये फोटो आपकी है तो आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास NFT टोकन है तो मैंने खरीदी है। वेल, अब NFT और क्रिप्टो करेंसी सेम होते हैं क्या? इवन दो NFT क्रिप्टो की तरह ब्लॉकचेन पर बेस्ड है बट वो सेम नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। अब जैसे मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू 100 रुपए आप भी जानते हो, और अगर इसको मैं इन भाई साहब के नोट से एक्सचेंज कर देता हूँ और अभी भी दोनों के पास 100 रुपए ही होंगे। बट वहीं अगर मैं इस नोट पर सोनम गुप्ता बेवफा है लिख दूं तो अब ये नोट यूनिक हो गया है और इस नोट के संग एक हिस्ट्री जुड़ गई है। वो हिस्ट्री क्या है? सोनम गुप्ता जो पॉपुलर मीम था वो इस नोट पर हमेशा के लिए लिंक हो गया है, तो जब भी कोई ये नोट देखकर सोनम गुप्ता पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मीम वाला नोट है। और अगर मैं इस नोट को किसी और चीज से एक्सचेंज करता हूँ तो ये सोनम गुप्ता भी इस नोट के साथ में चली जाएगी। मेक सेंस, राइट? इसी को कहते हैं नॉन फंजिबल। आप एक टोकन को दूसरे टोकन से इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। और क्योंकि अब ये नोट दुनिया में इकलौता ऐसा नोट है जिस पर मेरी हैंडराइटिंग में सोनम गुप्ता लिखा हुआ है, तो अब मैं इसकी कोई भी वैल्यू मांग सकता हूँ मार्केट में अगर कोई देने को रेडी है तो। अब इंटरनेट पे आपने सुना तो होगा कि ये वाली NFT इतने लाखों में बिकी, ये वाली NFT के हजारों रुपए दाम लग गए, तो आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि क्यों ना मैं भी बेच के रातों रात अमीर हो जाऊं। वेल, इवन दो NFT क्रिप्टो की ही तरह ब्लॉकचेन पर बेस्ड है बट उसका काम पैसे बनाना नहीं है बल्कि ओनरशिप प्रूव करना है। अब जैसे ये मजनू भाई वाली पेंटिंग देखो, ये कितनी यूनिक है, पॉपुलर है और सब जानते हैं इसके बारे में, तो कल को कोई इसकी NFT बना के 10 लाख रुपए मांगे तो वो जस्टिफाइड होगा क्योंकि ये एक यूनिक आर्ट पीस है और इसकी वैल्यू वो जस्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर कल को मैं कोई अपनी ड्रॉइंग बनाकर NFT बेचने लगूं तो क्या उसके कोई 10 लाख रुपए देगा? वेल, नॉट नेसेसरीली। वेल, अगर कोई ले ले तो बहुत अच्छी बात है, बट NFT का काम ये है कि अगर कल को मैं वो आर्टवर्क बेचने जाऊं तो मेरा सामान कोई चुरा ना ले ऑनलाइन, तो अब ऐसे आर्टवर्क्स की इतने ऊंचे प्राइस कोई क्यों देगा? वेल, देगा अगर वो रेयर है, यूनिक है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ज्यादा प्राइस है उसका और काफी ज्यादा डिमांड है, तो ही उसके अच्छे प्राइस मिलेंगे। वरना ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इट्स जस्ट अ NFT टोकन जो प्रूव करता है कि आपके पास उस डिजिटल एसेट की ओनरशिप है। अब आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इतने सारे लोग NFT खरीद रहे हैं तो क्यों ना मैं भी NFT बना के बेच दूं, पैसा ही पैसा होगा, राइट? बेचनी कहाँ पर है ये भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो कितने रुपए में बिकेगी ये मैं आपको नहीं सिखाता हूँ, चलो करके देखते हैं। तो NFT के बहुत सारे मार्केट प्लेस होते हैं जैसे कि OpenSea.io, Rarible, WazirX, Binance etc. यहाँ से आप NFT खरीद भी सकते हो और यहीं पर आप NFT बेच भी सकते हो। तो बेचना क्या है? कोई भी डिजिटल फाइल जैसे कि इमेजेस, वीडियोज, म्यूजिक जो आपने बनाया वो आप NFT बना के बेच सकते हो। तो मैंने एक अपने नाम का लोगो बनाया था और ये काफी अच्छा भी दिखता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ NFT बेच पाऊँ। तो सबसे पहले एक मार्केट प्लेस डिसाइड करना है आपको कि आप कहाँ बेचना चाहते हो। OpenSea, Rarible, WazirX में आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं Rarible यूज कर रहा हूँ और बताऊंगा भी क्यों। तो सबसे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने क्रिप्टो वॉलेट से। मेरे पास Coinbase का वॉलेट पड़ा हुआ है तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। आपको बस ये QR कोड स्कैन करना है और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब चलो NFT बनाते हैं। ये क्रिएट बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे आप इथीरियम से बना सकते हो, फ्लो से बना सकते हो और भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होती है, बट मैं इथीरियम यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो काफी पॉपुलर है। अगर आपको एक सिंगल NFT बनाना है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको मल्टीपल वाला बनाना है तो मल्टीपल वाले पे क्लिक कर सकते हो। मेरे पास ये PNG फॉर्मेट है तो मैंने उसको अपलोड कर दिया। बाकी डिटेल जैसे कि प्राइस कितना रखना है, नाम क्या देना है, ये डिटेल्स आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अब क्रिएट आइटम पर क्लिक करो और आपका NFT तैयार।
वेल ऑलमोस्ट तैयार। किसी भी ब्लॉकचेन पर अगर आप एनएफटी मिंट करते हो या क्रिएट करते हो तो एक ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। तो आप बोलोगे मैंने तो दी नहीं, मैंने तो फ्री में बना ली। वेल, इसको लेजी मिंटिंग बोलते हैं। यहाँ वेबसाइट ने आपकी एनएफटी आइटम सेव कर लिया है और जब कोई उस आइटम को खरीदेगा तब वो एज अ एनएफटी बन के बिकेगी। जैसे मान लो कल को ये एनएफटी कोई 1000 रुपए में खरीदता है तो जो भी एनएफटी मिंटिंग फीस है वो कट के मुझे जो सारा पैसा वो मेरे वॉलेट में आ जाएगा। तो टेक्निकली अभी ये एनएफटी टोकन तो नहीं है, तो आप सोचोगे इसको एनएफटी टोकन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। वेल, मैं दिखाता हूँ। तो एनएफटी टोकन बनाने के लिए जो आपको गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है वो इथेरियम में आज के समय में काफी हाई चल रही है। आप अगर मेरे फोन में देखो तो एक NFT आइटम क्रिएट करने के लिए ऑलमोस्ट आपको $70 से $80 खर्च करने पड़ेंगे, जो कि निकल के आता है अराउंड 6-7 हज़ार रुपये। और ये तब है जब आप सिर्फ NFT क्रिएट कर रहे हो, जब बिकेगी तब बिकेगी। तो आपने सुना होगा कि NFT क्रिएटर्स को रॉयल्टीज मिलती हैं, वो क्या सीन है वो भी बता देता हूँ। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप एक NFT बनाते हो और उसको मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर देते हो तो वहीं पर एक ऑप्शन रहेगा कि आपका NFT जितनी बार बिकेगा उसका परसेंटेज रॉयल्टी आपको सीधा वॉलेट में मिलेगा। जैसे मेरे इस वॉलेट में देखो, मैं 50% तक रॉयल्टीज क्लेम कर सकता हूँ अपने NFT के ऊपर। अच्छा, अब NFT खो सकते हैं क्या? क्या ऑनलाइन कोई आपका NFT टोकन चुरा सकता है? वेल यस, हो सकता है, बट ऐसे सिचुएशन में आप करोगे क्या, मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो ये मेरी NFT है, अगर ये खो गई तो इमेज फिर भी यहीं रहेगी, मैं अभी भी इसको मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर पाऊंगा, तो NFT बेसिकली क्या हुआ? और कैसे इस इमेज को NFT बोल सकते हैं? जब आप एक इमेज अपलोड करते हो किसी भी NFT मार्केट प्लेस पे तो हर इमेज का एक URL होता है जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। लेकिन जब आप NFT बना रहे होते हो तो NFT मिंट करते टाइम वो URL लिंक होता है, ना कि एक्चुअल इमेज। और जो NFT टोकन की वैल्यू जनरेट होती है वो आपका NFT टोकन कहलाता है। तो मान लो अगर आपका ये NFT खो भी गया तो भी इस इमेज की ओनरशिप कोई और प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपके NFT से लिंक था। और इवन दो आप भी नहीं कर पाओगे, बट इट्स ओके, क्योंकि इमेज सर्वर पर अभी भी रहेंगे। बट इमेजिन करो कल को मार्केट प्लेस ही बंद हो गया। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। तो आपकी इमेजेस भी लॉस्ट हो जाएंगी, बट आपके पास वो NFT टोकन अभी भी है, तो क्या आप बोल सकते हो कि मेरे पास NFT है? वेल नहीं, क्योंकि जो NFT जनरेट हुआ था ये इस मार्केट प्लेस के URL के साथ जनरेट हुआ था और वो चेंज नहीं हो सकता फ्यूचर में कभी भी, यही ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। तो URL डेड तो आपका NFT भी डेड। लेकिन सिर्फ आपका NFT टोकन खोया है, इमेजेस अभी भी वेबसाइट है, तो सिर्फ आपकी ओनरशिप डेड हुई है। आप अभी भी उन इमेजेस को डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर सकते हो। वेल, अब कौन से NFT आपको लेने चाहिए, इसका आंसर थोड़ा सा सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हो और आप किस चीज़ की वैल्यू करते हो। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब जैसे कुछ ये 10 रुपए के कॉइन्स है मेरे पास, एक ये वाला तो नॉर्मल है लेकिन जो बाकी के दो कॉइन्स है वो थोड़े से अलग दिखते हैं। हमारे तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू 10 रुपए ही है, लेकिन जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं वो इसको एक कलेक्टर्स आइटम समझेंगे और हो सकता है इसकी ज़्यादा वैल्यू दे दें। NFT को भी वैसे ही समझ लो कि जो आर्टवर्क आप खरीदना चाहते हो, जिसकी आप वैल्यू समझते हो और जिस चीज़ को आप ओन करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप खरीद सकते हो। बट ये मत सोच के लेना कि इसके पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं इसको खरीद रहा हूँ। NFT का पर्पस वो नहीं होता है। इज NFT अ स्कैम? अब ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता होगा कि क्या ये NFT स्कैम तो नहीं है, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे? तो NFT एज ए टेक्नोलॉजी स्कैम बिल्कुल नहीं है, एकदम लेजिट टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्कैम नहीं हो सकता। होगा कहाँ, मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई अप्रोच करता है ये कहे कि ये वाली NFT बहुत रेयर है, आप इसको खरीद लो तो ये थोड़े ही दिन में इसकी वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, तो क्लियरली ऐसा नहीं होता है। NFT का काम है सिर्फ ओनरशिप प्रूफ करना कि आप उस NFT को ओन करते हो। उसकी कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप NFT खरीदने जा रहे हो तो ये सोच के खरीदना कि आप उस आर्टवर्क की वैल्यू समझते हो, आप उसको ओन करना चाहते हो, वरना आप बोलोगे कि मेरे साथ 6 लाख का फ्रॉड हो गया। तो फाइनली NFT लेने के बाद आप टैक्स कितना भरोगे उस पर? यूनियन बजट 2022 में ये अनाउंस हुआ था कि सारे क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा, लेकिन आप जो भी NFT की ट्रांजैक्शन करोगे वो सीधा क्रिप्टो में करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब भी आप उस क्रिप्टो करेंसी को अपने क्रिप्टो वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करोगे सीधा सीधा 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब लग्जरी आइटम्स पे 28% GST तो ऑलरेडी लगता ही है, तो आप यही समझ के खरीद लेना कि यहाँ पर भी हम 30% लग्जरी टैक्स ही दे रहे हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ NFTs? वेल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि मेरे ओपिनियन में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है।
जैसे हमारे पेरेंट्स को NFTs और क्रिप्टोज नहीं समझ में आते थे, हमारे आने वाली जनरेशन क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे मेरी समझ से बाहर होगा। और जैसे जैसे मेटावर्स जैसी चीजें डेली लाइफ में कॉमन होती चली जाएंगी, वहां पर NFT काफी ज्यादा काम आ सकता है। बट ये तो टाइम ही बताएगा कि एग्जैक्टली फ्यूचर में NFT का क्या होता है, क्या ये सिर्फ एक फैड बन के रह जाएगा या फिर ये एक्चुअल कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपके डेली लाइफ को यूजफुल बना पाएगी, ओनली टाइम विल टेल। वेल, आई होप मैंने आपके NFT से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। मैं भी NFT क्योंकि अभी खुद पहली बार सीख रहा हूँ, तो अगर कोई टेकीज है जो NFT स्पेस मेरे से ज्यादा जानते हैं तो प्लीज अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में जरूर लिखे, इससे हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उनको अगर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स है तो नीचे वीडियोस में आप पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको NFT से रिलेटेड डाउट्स है तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। मेरा नाम है कौशल और मैं आपकी फीड में बार बार आता रहूंगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे और वो बेल आइकन दबा दोगे। और मेरी नहीं सुननी तो राजकुमार राव की सुन लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।